हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। और गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर जो हम MIUI 13 के कुछ फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ गाइज, MIUI 13 तो यार चाइना के अंदर जो 28 को आप लोगों को देखने को मिलने वाला है ऐसा बोला जा रहा है। तो देखते हैं यार कब उसके लॉन्च होता है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को जो कुछ इसके फीचर्स के बारे में बताने वाला हो, आप जो इसके कुछ जो फीचर अपने फ़ोन के ऊपर अभी भी फिलहाल यूज़ कर सकते हैं। मैंने वैसे जो ऑलरेडी यार एक दो वीडियो डाल दिया जहाँ पर मैंने जो कुछ इसके सिस्टम ऐप्स अपडेट के बारे में भी वीडियो डाली है। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर जो मैं आप लोगों को इसके जो सेटिंग के अंदर जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं पूरा जो यार लुक यहाँ पर जो आप लोगों को अलग देखने को मिल जाता है। इवन यहाँ पर जो आप लोगों को MIUI 13 का जो है फॉन्ट भी देखने को मिल जाता है। तो ये जो है आप लोगों को कोई भी मेथड आपको अप्लाई नहीं करना, डायरेक्टली आप जो अपने थीम स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकती है। इसका नाम क्या है ये भी मैं आगे जाके बताने वाला हूँ। फिलहाल यार अबाउट फोन के अंदर जैसे ही जाते हो तो यहाँ पर भी आप लोगों को MIUI 13 का जो है लोगो देखने को मिलने वाला है, जो कि यार काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर। क्योंकि यार आपको पता है यहाँ पर MIUI 12 का लोगो देखने को मिल जाता था, लेकिन इस थीम को अगर आप जो अप्लाई कर देते हो तो यहाँ पर जो MIUI 13 का लोगो देखने को मिलने वाला है। इवन गाइज आप लोगों को सेटिंग का लुक भी यहाँ पर पूरा चेंज देखने को मिलने वाला है। लेकिन गाइज इस थीम के अंदर जो ये थीम के अंदर फॉन्ट आप लोगों को ये बाय डिफॉल्ट MIUI 13 वाला देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आप लोगों को कौन सा फॉन्ट डाउनलोड करना है ये भी मैं आगे जाके बताने वाला हूँ। फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं यार MIUI 12 अंदर जाने के बाद तो MIUI 12 ही देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर MIUI 13 देखने को मिल जाता है। मेरे पास जो ये Mi 11X है इसके ऊपर मैं कर रहा हूँ यूज़। बाकी आपके पास कोई भी Xiaomi का फ़ोन होगा तो आप जो उसे यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं इंटरफेस तो कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप जो विजेट को डबल टैप करके वगैरह चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं इस तरीके का म्यूजिक का सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। आपकी मर्जी, आपको कौन सा यूज़ करना है वो जो आप यहाँ पर सेट करके रख सकते हैं, बाकी उसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल की बात करें तो यानी कि कंट्रोल सेंटर की, तो इस तरीके का देखने को मिल जाता है। बाकी MIUI 13 के साथ कौन सा आने वाला है इसका कोई भी आइडिया नहीं है। अब जो MIUI 13 आएगा उसके साथ ही पता चलेगा कि भाई MIUI 13 के साथ हमें कौन सा कंट्रोल पैनल देखने को मिलने वाला है। बाकी एज इट इज़ वैसा ही सब कुछ जो है हमें देखने को मिलने वाला है। तो इस तरीके का कुछ देखने को मिल जाता है। तो चलो फटाफट से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इसे अपने फ़ोन के ऊपर अप्लाई कैसे करना है, ये कौन सी थीम है या फिर फॉन्ट कहाँ से डाउनलोड करना है। तो गाइस आपको सिंपली जो अपने थीम स्टोर के ऊपर चले जाना है। अब तो थीम स्टोर आपके फ़ोन के ऊपर तो ऑलरेडी होता ही है, तो यहाँ पर जाना है। और यहाँ जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक थीम को सर्च कर लेना है, जो कि मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर इस थीम को आप लोगों को सर्च कर लेना है। मैं फोकस करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि फोर्स नाम के आप जो है ये थीम डाउनलोड करना है। गाइस स्पेस आपको बिल्कुल नहीं देना, अगर आप जो की के बीच में स्पेस देते हो तो यार यहाँ पर ये थीम जो आप लोगों को यहाँ पर जो शो नहीं करेगा, आपको सेम एज इट इज़ वैसा ही लिख लेना है। एंड ये जो है 7 MB के आसपास जो इसकी साइज़ है, तो आप जो पकड़ के रख सकते हैं 16 MB के आसपास जो इसकी साइज़ देखने को मिल जाती है। कॉन्स्टेंटिटो ऐसा कुछ यार नाम है, प्रोनाउंस मेरे से ठीक से नहीं हो रहा, लेकिन इस तरीके का कुछ जो है थीम का नाम है, आप जो इसे डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। बाकी फॉन्ट की बात करें तो फॉन्ट के ऊपर आपको सिंपली जाना है और यहाँ पर जो है सेंस लैटिन आप लोगों को सर्च कर लेना है। मैं जो दिखा भी देता हूँ, मेरे अपने फ़ोन के ऊपर मैंने जो इसे डाउनलोड करके रखा है, देख सकते हैं मी सेंस लैटिन। मैं आप लोगों को यहाँ पर जो सर्च करके भी दिखा देता हूँ, क्योंकि यार काफ़ी लोगों को बाद में जो ये फॉन्ट नहीं मिलेगा। तो मैं देख सकते हो क्या लिख रहा हूँ, वैसा ही आप लोगों को सिंपली यहाँ पर टाइप कर लेना है और सर्च कर देना है। देख सकते एक नंबर के ऊपर ही ये फॉन्ट आ जाता है, सिंपली जो इसके ऊपर क्लिक कर देना है और इसे जो अप्लाई कर देना है। अप्लाई करोगे तो एक बार जो रिबूट का ऑप्शन मांगेगा, आप लोगों को रिबूट कर देना है। जैसे ही रिबूट करोगे ये जो आपके फ़ोन के ऊपर सेट हो जाएगा और इस तरीके का कुछ जो फॉन्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं यार ये जो MIUI 13 के साथ हमें जो ये ऑफिशियली फॉन्ट देखने को मिलने वाला है। अब जो ऑफिशियली है तो यार आप लोगों को यूज़ करने में कोई भी दिक्कत नहीं, अभी फिलहाल हम जो थर्ड पार्टी से आप बोल सकते हैं क्योंकि थीम स्टोर से ये जो यूज़ कर रहे हैं। फिर भी यार अगर आप लोगों को अपडेट से पहले यूज़ करना है तो आप जो यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस, कुछ इस तरीके के यार कुछ दो फीचर आप लोगों को दिखा दिया है मैंने। बाकी आप लोगों को इसके अंदर मॉडिफिकेशन वगैरह करना है तो भी कर सकते हो, वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, आइकॉन पैक चेंज कर सकते हैं कस्टमाइज थीम के अंदर जाकर। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को सिंपली थीम्स के ऊपर चले जाना है, प्रोफाइल के अंदर जाना है एंड कस्टमाइज थीम के ऊपर जाकर कोई भी आप जो अपने हिसाब से सब कुछ जो सेट कर सकते हैं। इस तरीके का कुछ यार देखने को मिल जाती है थीम फॉन्ट। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, पसंद आती तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, टिल देन एंड बाय बाय।